बीती रात जलंधर पठानकोट नेशनल हाईवे नंगलबुगुर में एक निजी ढाबे में उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब वहां खाना खाने आए कुछ पुलिस मुलाजिमों की वहां बैठे कुछ लोगों से कहासुनी हो गई, जिसके बाद मामला इतना ज़्यादा गर्मा गया कि कंदरोड़ी के कुछ नौजवानों द्वारा पुलिस मुलाजिमों पर जानलेवा हमला कर दिया गया। जिसकी जानकारी देते हुए ढाबा मालिक ने बताया कि कुछ पुलिस मुलाजिम जो सिविल वर्दी में उनके होटल में खाना खाने के लिए बैठे हुए थे, एक मुलाजिम को घर से फ़ोन आया, वह फ़ोन सुनते सुनते पीछे चला गया, जहां कुछ लोग गाली गलौज कर रहे थे जिनको पुलिस मुलाजिम ने मना किया तो उनमें कहा सुनी हो पड़ी, जिसके बाद नौजवानों द्वारा पुलिस मुलाजिमों पर जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसमें पुलिस मुलाजिम बुरी तरह से घायल हो गया, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में ले जाया गया। वहीं बातचीत करते हुए पुलिस अधिकारी नक्षत्र सिंह ने बताया कि हमलावरों की पहचान कर मामला दर्ज कर लिया गया है, जल्द ही आरोपियों को काबू कर बनती कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम अमन कुमार है, ठीक कल रात 11 बजे की गल है, ये 4-5 कंदरोड़ी मुंडे साढ़े को डेली शराब शुरू पीन आते रहे इतने, तो कल कितने पुलिस वाले मुंडे भी साढ़े कुछ खाण पीन आए थे ही, तो वो कि पुलिस वाले मुंडे घरों फोन आया होना, उन्हें अपने मम्मी डैडी गल करनी होनी है, तो पिछले कंदरोड़ी के मुंडे गालां गूलां कढ़ते होने, उन्हें पुलिस वाले इन्नी गल की, पुलिस वाले इन्नी गल कही है कि भाई जी 2 मिनट गालां गूलां ना कढ़ो, मैं घरों गल इन्नी गल हो गई है, तो मुंडे में हाथाफाई शुरू हो गई है, तो कंदरोड़ी वाले मुंडे ने अपनी गैंग पूरी बगा ली है, इदा पुलिस वाले बिल कटाने सर साढ़े को बाहर आया, तो पूरी गैंग ने उन्हें हमला करता है, हमला इन्ना तगड़ा होया कि वेद जे पुलिस वाले है उस ठीक ठाक उन्होंने फटर किए, फिर उस तो बाद गल की हुई है, तो पुलिस वाले आप चुक चुक के ठाने ठूने पजाए सारे, उसे एम्बुलेंस वगैरह सारिया आई हैं, तो पुलिस वाले इन्ने के सर फटर करते थे ही कि जो सा स्टाफ जो छोटे मोटे सारे बंदे डर गए थे, और सारे बैग चुक के घर चल गए, मेरा ढाबा सर बंद हो गया पूरा, इस टाइम बंदा कोई भी नहीं, स्टाफ मेरा कहता सर आप काम नहीं करना इतने, लड़ाइया इधर उदा होंगे इदा होंगे, तो चक्कर जिन्होंने हमला किया करैक्टर कि सर करैक्टर उन्होंने पिंड तुम पुछ लो अंदोरे थाने डमटाल थाने 0 है, उन्दे जे पहले भी 26 दे परचे 307 दे परचे चले रहे इस टाइम। हाँ जी, ढाबे सीसीटीवी कैमरे लगाए सर? नहीं नहीं कैमरा वगैरह कोई नहीं लगाया, पर मैं जिन्हें भी मुंडे 4-5 आ गए मैं फेस टू फेस चंगी तरह जानता उन्हें, घर उन्दे जिन्हें भी फैमिली वगैरह सारे मैंबर उन्होंने मैं जाना अच्छी तरह करना, नॉर्म्स भी है कि जो हाईवे के जिन्हें ढाबे उन्होंने कैमरे जरूर होने चाहिए सर, ये आप हूँ ही नए नए वाले ओपन की है, तो थोड़े दिन तक आप कैमरे लाने सोचते पे पर सूँ नहीं पता कि जल्दी इन्होंने का कांड हो जाएगा। हाँ जी, हाले कोई महीना को ओपन किया साढ़े इतने अनमोल ढाबा है नंगलपुर 10 बजे के टाइम से रात का, तो साढ़े 3 मुलाजम पठानकोट पोस्टेड ने, वो इतने डिनर वगैरह कर लिए आए थे, उन्होंने नाल 5-6 मुंडे होर बैठे थे ढाबे के रखे टेबल पर, उन्होंने कोई फोन वगैरह तो गल हुई है, उन्होंने फोन साढ़े मुलाजम का कोई फोन आया घर, तो उन्होंने कहा रौला ना पाओ फोन ना सुना, इतों ही इन्होंने मैंने तो हो गया भी ढाबे वाले समझा के बाहर भेजते, ढाबे वाले उन्होंने जानते हैं जिहड़े मुंडे जिहड़े हिमाचल दे नाल साडे कंदरोड़ी पिंड पिंदे आ नाल टोकी वगैरह इधर दे हिमाचल साइड दे ढाबे वाले उन्होंने सारे टोकली जानते, उन्हें समझा के भेजता बाद उन्होंने फोन कॉल करके होर नाल 5-4 मुंडे सदर दातर लैके आ गए, उन्होंने बड़ी भनतोड़ की है, जो साढ़े सिविल सेवक जाए से सदर नहीं सकन दे, उन्होंने भी सट्टा लगियां काफ़ी, उन्होंने एक तो इतने खानपान की हस्तक दस लिया, तो एक अमनदीप अमृतसर के एक दे सट्टा भी लगियां से उन्होंने बड़े शूटिंग की कंडीशन एक दी तो काफ़ी मतलब कि सीरीयस है, मतलब पठानकोट अमन दी है, एक दिन उंगलों जी मैं कहना वो कटिया गई लंकड़ियाँ सी लैके मुकदमा जो किया मुकदमा नंबर साढ़े 17 का वही होगी थाने के अंडर सैक्शन 323-324 148-147 427-379 IPC थाना नंगलपुर दर्ज की गई। ਮਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ 30 ਟੋਟਲ 5 ਅਤੇ 22 ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ 3-4 ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ 33 ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟਸ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।